लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने कहा कि यूरिया खाद की किल्लत के चलते अन्नदाता किसान बेहद परेशान है और किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है, लेकिन किसान को फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा है। विधायक मेवा सिंह बाबैंड में वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजीव बुकड़ी के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को कई कई घंटे लाइनों में खाद लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, बावजूद इसके भी किसानों को खाद न मिलने पर मायूस ही वापस लौटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही पानी की निकासी न होने पर फसलों के बर्बाद होने पर बेहद दुखी है और अब किसान को खाद न मिलने पर वह बेहद मायूस है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान को समय पर खाद उपलब्ध करवाए, लेकिन सरकार आंखें बंद किए बैठी है। उन्होंने कहा कि गत दिनों राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा को मिले भारी जन समर्थन से स्पष्ट हो गया है कि लोग लुभावने वायदों पर अब विश्वास नहीं करते। हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है व नहरों और नदियों के किनारे टूट रहे हैं, इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। सरकार ने समय रहते नहरों और नदियों के किनारे पक्के नहीं किए, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग तंग और परेशान। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से हर वर्ग परेशान है। कानून व्यवस्था के हालात क्या है, आज थानों में बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर की हालात क्या है, लोकसभा में पिछले 8 दिन से विपक्ष इस चीज की मांग करा कि प्रधानमंत्री आके लोकसभा में अपना बयान दे, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर बयान देने के लिए राजी नहीं है। आज इस प्रदेश की हालत बहुत ही दयनीय है और किसान की जब जब भी फसल मंडियों में आती है उसको पीटने का काम करते हैं। जब जब भी किसान को डीएपी की जरूरत होती है, मार्केट से डीएपी गायब हो जाता है। आज किसान की जीरी लग चुकी है, किसान को यूरिया की जरूरत है। आज पूरे प्रदेश में कहीं यूरिया ढूंढे नहीं पा रहे, कहीं पर भी किसान लाइनों में लगे हुए हैं। यूरिया का एक ट्रक 300 कट्टे आते हैं, हजार हजार किसान वहाँ पर लाइनों में लगता है। आज हर चीज़ से जनता परेशान है, तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि जल्दी से जल्दी यूरिया का इंतजाम करें और किसान को किसी भी तरह की दिक्कत यानी कि एक तरफ परमात्मा की मार पड़ रही है, बरसात ने, फ्लड ने इलाके का किसानों का बड़ा भारी नुकसान कर दिया, दूसरी तरफ किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, इसका जल्द से जल्द इंतजाम करके अब जनता को राहत देने का काम करें। खबरनामा हरियाणा के लिए बाबैंड से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।